नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता। अपने YouTube चैनल SPJAG एंटरटेनमेंट भारत पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे दर्शकों, हमारे मित्रों, हमारे चाहने वाले जो भी लोग हैं, सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज आपका इंतजार जो है वो खत्म हुआ। आज हमारे गेस्ट ना फ्रांस से ना पाकिस्तान से आए हैं, अपने देश हिंदुस्तान से, गुजरात से, फ्रांसिस थॉमस। इनके लिए एक तालियां। फ्रांसिस थॉमस जी पेशे से एक म्यूजिशियन हैं और इन्होंने बहुत लोगों को म्यूजिक की शिक्षा दिए हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और क्या क्या हैं, न जाने क्या क्या हैं। इनके बारे में हम लोग आज डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और इनसे सवाल पूछने के लिए दिल्ली की जानी मानी फैशन डिजाइनर उर्मिला सिंह जी आई हुई हैं। उर्मिला सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और राम उत्तर प्रदेश की हरियाणवी एक्ट्रेस आई हुई हैं ऐश्वर्या त्यागी जी, इनको भी नमस्कार। ऐश्वर्या जी नमस्कार। नमस्कार। और जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार और सर को दिल से नमस्कार, क्योंकि फ्रांसिस थॉमस जी आज अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे चैनल पे आए हैं। तो फ्रांसिस थॉमस सर, नमस्कार आपको। नमस्कार जी। जी, तो समय सभी मैं दर्शकों जाना। को भी मेरा नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी 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 तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का जाया नहीं करूंगा और मैं डायरेक्ट उर्मिला सिंह जी को आग्रह करूंगा कि आज आप अपना सवाल सबसे पहले रखें। उर्मिला सिंह जी, प्लीज। हेलो दर्शकों, आप सभी का JSPG चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे गेस्ट हैं फ्रेंसिस थॉमस जी। फ्रेंसिस थॉमस जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। आपका जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। अहमदाबाद, गुजरात। ओके सर, आप म्यूजिक का शौक रखते हैं शायद, जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये शौक आपको कब और कैसे लगा? म्यूजिक का शौक तो मैं जब छोटा था, मेरे फादर थे डॉक्टर थॉमस, और वो कभी कभार घर में इंस्ट्रूमेंट थे, वो बजाते गाते भी थे, और मैं देख देख के थोड़ा मेरे में इंस्पिरेशन आया और मैं सीखा। तो सबसे पहले तो हमारे घर पे वो टाइसो को तो बोलते हैं बैंजो, तो ही वॉज प्लेइंग द बैंजो एंड सिंगिंग द सॉन्ग, तो मैंने उनसे सीखा, तो धीरे धीरे मेरे को आ गया। उसके बाद थोड़ा बढ़ता गया, ऐसे मेरे को हारमोनियम भी बजाना सिखाया, मैंने हारमोनियम पे हाथ शुरू कर दिया, तो ऐसे मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन करते ही मिला है। आपका ये मतलब फैमिली से, आपके फादर से ही आपको सीखने को मिला ये सारी चीजें? या फादर से मिली। ओके सर, आपने किस एज में सीखना स्टार्ट कर दिया था? ऐसे देखने जाओ तो मैं 6-7 साल का था तभी से मैं ये देख रहा था, और जैसे बड़ा होता गया तो 8-10 साल की उम्र में तो मैं हारमोनियम, 12 साल की उम्र में तो मेरा फुल फ्लेज में थोड़ा आ गया था, अच्छा बजा लेता था। फिर हम चर्च में भी जाते थे, क्वायर में बैठते थे, वहां पे सुनते थे, देखते थे, तो ऐसे मुझे जरा ज्यादा इंस्पिरेशन मिला वहां से। सर, आपने स्टेज परफॉर्म भी किया है क्या कभी? पार्डन, सर, आपने कभी स्टेज परफॉर्म भी किया है? स्टेज परफॉर्म तो अभी चालू है, वो तो मैं बताऊं आपको, 18 साल की उम्र से मैं स्टेज पे काम कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, तभी से मेरे पास वो ये आने लगे थे कि भाई आपको जाना चाहिए,
स्टेज पे जाना चाहिए, बजाना चाहिए, आप अच्छा आपका हाथ है। तो उस टाइम में बिगिनिंग में तो मैं वो ढोलक है, रिदम है, सब वो सब बजाता था। उसके बाद तो एक तब उस टाइम के कीबोर्ड तो थे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं था, तो हारमोनियम बजा लेते थे या फिर वो एकॉर्डियन आता है उस पे हाथ शुरू किया, बजा लेते थे उस टाइम छोटे छोटे स्टेज शो किया। उसके बाद जब लोग मुझे जानने लगे तभी थोड़ा अच्छा हो गया। सर आप स्टेज शो करने के क्या फीस चार्ज करते हैं? सॉरी ये दर्शकों की तरफ से क्वेश्चन मैं आपको कर रही हूँ। जैसे आप बोला हो तो मैं मुफ्त में आ जाऊं, ऐसे है थैंक यू सर। बड़े साहब बुलाएंगे तो पैसा लगेगा जी सर। थोड़ा सा नॉर्मली मैंने दर्शकों की तरफ से क्वेश्चन आपको किया कि भाई आपको अगर कोई अपने शो में बुलाना चाहे तो आपका कितना अमाउंट मतलब चार्ज करेंगे आप? तो जैसा सिचुएशन। ओके सर। सर आप म्यूजिक के अलावा कुछ और भी शौक रखते हैं? शौक तो मुझे पेंटिंग का था। ओके। या मैंने ग्रेजुएशन तो किया है, उसके बाद मैंने पेंटिंग किया, पेंटिंग यानी कि फाइन आर्ट्स किया मैंने, फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा लिया मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और डिप्लोमा में मेरा सेकंड नंबर था गुजरात में। पर और उसके आपने बाद अपना मैंने मास्टर ऑफ आर्ट किया। पर आपने म्यूजिक को चूज किया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? हाँ वो थोड़ा समय चला, मैंने पेंटिंग भी बहुत की है, बनाए, लोगों को दिए भी, और उसका शो भी किया मैंने, लेकिन एग्जीबिशन भी किया, लेकिन बाद में हमने सोचा अब तक तो समझ आ गई थी हमको क्योंकि ये म्यूजिक चलने वाला है, ये पेंटिंग का कोई ये नहीं है फ्यूचर, ऐसा मैं समझता था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े शो होते थे जैसे कल्याण जी आनंद जी के भाई थे, बाबला वगैरह आते थे, महेश कुमार एंड पार्टी, वो सब देखते थे तो हमको ज्यादा इंस्पायरिंग होते थे, हम खुद इंस्पायर होते थे, तो मैंने बोला ये सही है, इसमें पैसे बनते फ्यूचर के लिए अच्छा है। और ऐसे देखने जाओ तो मैं टीचर था यहाँ अहमदाबाद के भी लोकल स्कूल में, मैं हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी में टीचर था इंग्लिश मीडियम, अभी ये रिटायर होने के बाद ये मैंने फुल टाइम काम शुरू किया है। सर क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गिटार या कुछ म्यूजिक बजा के सुना सकते हैं? पॉसिबल है अभी? देखिए इसमें क्या है कि मैं जो गिटार बजाता हूँ वो जो म्यूजिक जानने वाले हैं उनको पता है, मैं बास गिटार इसको बासिस्ट बोलते हैं, बेस गिटार बजाता हूँ, और अभी पॉसिबल नहीं है। बाकी ऐसे में कीबोर्ड भी बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। ओके सर। सर आप कुछ थोड़ा सा वैसा ही गुनगुना दीजिए। ठीक है। क्या बहुत सुनना अच्छा क्या? सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Okay.
बहुत अच्छा बजाते हैं सर आप, बहुत बढ़िया अच्छा सुर है और चेहरा टन जा रहा है, इसी के लिए थोड़ा तालियां हो जाए सर के लिए। वेरी नाइस, एनफ है, एनफ है जी। सर आप आगे अब और भी स्टेज परफॉर्म करने का गोल रखते हैं या फिर अभी आप ब्रेक लेना चाहते हैं? ब्रेक लेंगे तो फिर बैठ जाएंगे, ऐसे चालू ही रखना पड़ता है जी सर। कहते कि हाँ, आप जब तक काम करते रहोगे चलते रहोगे, अगर आपने ब्रेक ले लिया 6-12 महीना गायब हो गए तो कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल, सीधी बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल। लगातार अगर हम इसमें कनेक्ट रहते हैं मीडिया से या लोगों से तो हमारे हमें लोग याद रखते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम ब्रेक ले लेते हैं तो फिर वही आप वाली बात है कि लोगों को लगता है कि ये अभी वापस लौट के नहीं आएगा और लोग आपको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। आप इंडस्ट्री में भी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी देखिए, अगर कोई बैठ जाता है फिर वो गायब भी हो जाते हैं, शरीर भी हो। हाँ, इसलिए काम करते रहना चाहिए। चलिए, ब्रेक की बात हुई और समय भी ब्रेक का हो गया है, तो हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार, बॉलीवुड एक्टर। क्या आप स्कूल बनाना चाहते हैं? क्या आप कॉलेज बनाना चाहते हैं? बनानी हो आपको कोई फ्लैट, मकान या फिर हॉस्पिटल? अगर आप झारखंड के धनबाद शहर में ढूंढ रहे हैं किसी भी प्रकार के काम के लिए सस्ती सी जमीन, तो आपकी इंतजार हो गई है खत्म। नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करें और अपना मन चाहा उपयोग के लिए सस्ती जमीन प्राप्त करें। तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल और नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। वेलकम बैक माय गेस्ट एंड माय ऑल व्यूअर्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्रांसिस थॉमस जी आज हमारे चैनल पे आए हुए हैं और इनसे सवाल करने के लिए ऐश्वर्या त्यागी जी और पूर्मिला सिंह जी हमारे चैनल पे आए हुए हैं। तो अब आगे का सवाल मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या जी का सवाल था, नेट में इशू है। तो फ्रांसिस थॉमस जी, आप सबसे पहले हमें यह बताइए हमारे दर्शकों को कि एसपीजेजी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल भारत के बारे में आपको जानकारी कब और कैसे मिली, किन्होंने आपको इस चैनल के बारे में बताया? ये चैनल ऐसे तो जानी मानी है, थोड़ा बहुत हम जानते थे इसके बारे में, लेकिन हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, वो जो डिजायर न्यूज है उसमें वो पीआर है, अमित जीना शाह, तो हमारी बातचीत हुई तो उसमें उससे मुझे पता चला कि ऐसी ये चैनल चल रही है और ये उसके डायरेक्टर है मिस्टर शिव प्रकाश गुप्ता जी, तो बोले हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बात कराई हमारी आपसे। मैंने देखा पूरा, सभी स्क्रॉल करके सब वीडियो आपके, ये सब इंटरव्यू ना वो सब देखे, मैंने बोला ये अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पहले मुझे ऐसा पता नहीं था, बाकी बहुत सी चैनल चलती है, लेकिन इन्होंने आपका रिव्यू दिया फिर माइंड ब्लोइंग इट वाज। चलिए एक बार चिनार शाह जी के लिए तालियां। जी, अभी ऐश्वर्या त्यागी जी लाइव हो चुकी हैं। ऐश्वर्या त्यागी जी, आप अपना सवाल रखिए। ऐश्वर्या त्यागी जी की माइक जो है शायद उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। चलिए, आप सर यह बताइए कि चिनार शाह जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई? ये हमारे कॉमन फ्रेंड है नॉर्वे में, मिस्टर जॉन जॉन लेटा, वो अच्छे गायक गायक है, गजल गाते हैं, वो सब आजू बाजू सब अलग अलग कंट्री से भी सब आर्टिस्टों को चांस भी देते हैं
अच्छा गाते हैं, अपना खुद के एल्बम बनाते हैं, वो डॉक्टर भी है, तो हमारी 2-3 साल से दोस्ती है अच्छी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके अहमदाबाद में भी हमारे फ्रेंड्स हैं और मुझे चिनार से बात कराई कॉन्फ्रेंस से। एक बार बात हुई थी, फिर हम लोग 3 बार में ना गायब हो गए, क्योंकि लगता था उसके पास नंबर गायब हो गया था, व्हाटएवर थी। लेकिन वो नॉर्वे से मेरे को एक जॉन साहब ने मिला है, डॉक्टर जॉन ने, अच्छे सिंगर भी है, गजल गाते हैं, और मैंने उनके गजलों में मैंने ट्रैक भी भरे हैं गिटार के ट्रैक। हेलो जी, चलिए अभी ऐश्वर्या त्यागी जी लाइव हो चुकी हैं। ऐश्वर्या त्यागी जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा इशू रहा। जी सर, से मेरा एक सवाल है, ये सवाल है कि मैं सर से जानना चाहती हूँ, जैसे एक लड़की के लिए प्रॉब्लम होती है कि हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वैसे ऐसा मतलब बॉयज के लिए भी होता है कि उनको भी क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं लाइफ में कि अरे तुम इस इंडस्ट्री में गए हो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं सर से यही जानना चाहती हूँ कि क्या वो सेम प्रॉब्लम मतलब मेल भी फेस करते हैं या ओनली हम फीमेल्स के लिए ही ऐसा होता है? चलो तो फीमेल के लिए तो सब जानते हैं, उसमें तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानती है। लेकिन वो आप मेल के लिए क्यों पूछ रही है? Actually, ये पता नहीं, लेकिन मुझे पता है तब तक तो नहीं होता है, उनको खाली कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है। जी हाँ, और फिर कॉन्टेक्ट में कैसे आगे बढ़ते हैं वो आप खुद जान लीजिए कभी। नहीं एक्चुअली मेरा मतलब ये था, जैसे क्राइसिस होते हैं हमारे कि हमारी फैमिली हमें अलाउड नहीं करती या हमारी अरे तुम आप तो ऐसे, मतलब मैं उस बेस पे आपसे पूछ रही हूँ कि आपको अलाउड किया, आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया उसमें, आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको कितना सपोर्ट किया, वो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था। नहीं, हमारे फैमिली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, आप जो म्यूजिक की शुरुआत है वो लगभग सब हमारे क्रिश्चियन म्यूजिशियन ही थे पहले। तो यहाँ पहले संगीत भी था अपना, जैसे कि इंडियन टोन पे सब चलता था। फिर उसके बाद वो गोवानिस जो म्यूजिशियन थे वो चर्च में जो बजाते थे, वो चर्च में जो बजाते हैं वो इंग्लिश नोटेशन के साथ बजाते हैं। तो वो नोटेशन का इधर ये ट्रेंड था नहीं, लेकिन ये लोग आए, नोटेशन का ट्रेंड लाए और जितने भी म्यूजिशियन थे आते थे वहां पे बजाने के लिए 100-200 पूरा इसमें, तो सबको फिर अपना पार्ट लिख के दे देते थे। फिर हारमोनी का जमाना आ गया, अंदर हारमोनी बढ़ने का मेहली मेहली, तो ये सब उन लोगों ने शुरू किया और फिर बाद में म्यूजिक थोड़ा इम्प्रूव हुआ। नहीं तो पहले तो खाली हारमोनियम बजता था और ढोलक बजता था। सर मेन क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर आपके पास हुनर है अच्छा, आप बजा सकते हैं या गा सकते हैं, तो जिसको भी जरूरत है अपना अच्छा दिखाने के लिए तो वो तो बुलाएंगे ही आपको। जी सर, इसका मतलब ये है कि आपको जैसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपनी लाइफ में, जैसे फीमेल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है काफी, ऐसा कुछ? चलो नहीं, नहीं, नहीं। इसमें क्या होता है कि ग्रुपिज्म भी बहुत होता है ये लाइन में। जी, जैसे कि मेरा ग्रुप चलता है तो मेरे ही आदमी कुछ होंगे जो पर्सनल है या जानकार है, तो नए आदमी को एंटर होना थोड़ा तकलीफ पड़ता है। जी हाँ, ये बात सर है। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप इस जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज फेस करनी पड़ती है, या फिर ये सब कुछ इजी है अगर आप मन में ठान ले कि आपको ये सब करना है? वही बात है,
जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है, नवरात्रि। नवरात्रि में पूरा माहौल म्यूजिक के ये हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि कई लोग फिर आते हैं उसी टाइम आते हैं, एक दो महीना पहला, कि हमको ये सिखाओ, हमको गिटार सीखना है या ढोलक सीखना है या कीबोर्ड सीखना है। तो सबसे पहले सवाल ये करते हैं कि कितने दिन में आ जाएगा जी। अब उसको क्या बताए कि ये अगर ऐसा होता कि भाई 15 दिन महीने में सबको आ जाता तो हम लोग को कौन पूछता, गली गली में आर्टिस्ट हो जाते। सॉरी सर, मैं एक बार तो, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, क्या आप मतलब बच्चों को सिखाते भी हैं गिटार या हारमोनियम? क्या होता है कि अगर कमिट कर लेते हैं हम तो फिर उनको सिखाना पड़ता है। तो क्लास में क्या होता है कि समझो कि 6 बजे का टाइम है, संडे का टाइम दिया है और उसी टाइम हमारा लाइव शो होता है जी। तो फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं कि भाई साहब तो आज आए नहीं, तो ऐसा होता है। तो उनके लिए फिर स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है कि भाई, तो ये सब मुझे नहीं थोड़ा जमता। मैं फ्री रहना चाहता हूँ, कभी भी किसी का फोन आया कि भाई इधर जाना है उधर जाना है तो निकल पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट लेके। बाकी किसी से बनता नहीं। ऐसे तो देखने जाओ तो मैं टीचर था, जब मैं पढ़ाता था हिस्ट्री वगैरह इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां भी ट्यूशन का टाइम था वो उस टाइम भी, लेकिन मैंने कभी ट्यूशन किया ही नहीं इतने साल में, कभी भी कोई ट्यूशन नहीं किया। क्योंकि वहां क्या होता है कि अगर ट्यूशन करते हैं तो महीने के बाद पैसा मिलता है, वो भी ठीक होता है, और यहाँ तो आप 2-3 घंटे बजा के आ जाओ तो अच्छे पैसे मिलते हैं जी। जो महीने में वो नहीं देते उससे भी 10 गुना पैसा मेरे इसमें मिल जाता है। पर जैसे कि आप बोल रहे थे कि अगर कोई आपसे सीखना चाहे, मेल फीमेल या चाइल्ड जो भी है, तो उसके लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ता है सर। हाँ, निकालना पड़ता है, लेकिन कई पहचान वाले आ जाते हैं कई सब, तो हमारे जो रेसिडेंट है मेरा वहां से कोई पहचान वाले जो होते हैं उनको मैं मेरी मर्जी से फ्री में सिखाता हूँ। वाव जी। हाँ, मेरा एक दोस्त था तो उनका लड़का पढ़ता नहीं था, ये मेरी स्कूल में था, अभी मैंने उनको 4 बार मैंने उनका बोर्ड का फॉर्म भरवाया, एग्जाम दिलवाई, लेकिन फेल होता था। फिर मैंने पूछा भाई तेरा ये क्या है, क्यों नहीं पढ़ता है, दिमाग में उसमें आता ही नहीं, तो बोले मुझे तो रिदम सीखना है ढोलक। तो उसके पापा मेरे अच्छे दोस्त थे, बोले इसको सिखाओ थोड़ा आगे बढ़ाओ। वो लड़के को मैंने 2 साल मेहनत किया, नाम नहीं लूंगा जी, और वो भी आज अमेरिका में बजाता है, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका। तो ऐसे कई लोग हैं, अच्छा आगे बढ़े हैं। मुझे पमिला जी, पमिला जी कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं हमारे दर्शकों के, तो कमेंट्स को ऐश्वर्या जी पढ़ा जाए। ऐश्वर्या जी, यू आर मल्टी टैलेंटेड हु प्ले प्लानो कीबोर्ड्स गिटार्स अकॉर्डिंग टू बेसिक गिटार्स ढोलक तबला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ब्लेसिंग बाय द ग्रेस ऑफ अवर मिशन और जीसस ऑलमाइटी गॉड जीसस क्राइस्ट। यस सर, अपने थैंक यू कर्नल। डियर डियर, ये जिसका मैसेज है ना उनका नेम पहले बोलो, बाद में कमेंट्स। ओम प्रकाश गुप्ता जी, सर आपने किस फिल्म में अपना म्यूजिक दिया है, सर से क्वेश्चन है ये। ऐसे तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उनको आर्टिस्टों की जरूरत पड़ती है, रिकॉर्डिंग करना है उसमें, तो हम लोग रिकॉर्डिंग में जाते हैं और पूरा गाना रिकॉर्ड करते हैं, मेरा पार्ट मैं बजा लेता हूँ, सबका अलग अलग होता है। तो स्टूडियो में हाँ, तो ऐसे मूवीज है। हाँ
श्री राज पंडित जी सर का वो मैसेज है, गुड टू नो अबाउट प्रिंस थॉमस जी, ऑल द वेरी बेस्ट सर, आपके लिए विशेष है। थैंक यू राज पंडित जी। चिनार शाह ये हैं, विश यू हैप्पी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग सुपर ब्रिलियंट प्रोफेशनल एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट एम आर फ्रांस थॉमस जी टू एस पी जी एस जी न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल विद माई हार्ट बेस्ट विशेष फॉर यू एवर फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार टू एवरी वन, नमस्कार सर श्री राज पंडित जी, सभी को नमस्कार बोल रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है एक के, जैसे सर ने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ में भी परफॉर्म किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके साथ में सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई ऐसा कोई किस्सा जो मतलब हम यूथ से मतलब हम लोगों के लिए हो के हाँ इंस्पिरेशन हो कुछ, के कुछ ऐसा आपने उनसे कुछ मतलब कुछ अलग से कुछ ऐसा आपने उनसे अचीव किया हो, तो वो मैं जरूर जानना चाहूंगी सर से। जी 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 तो ये तो कई टाइम से बजाता हूँ मैं, स्टेज शो करते हैं बड़े बड़े, तो आर्टिस्ट तो आते हैं हमारे शो में, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, फिल्म कलाकार आते हैं, कई लोगों के साथ हमने शो किए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि मुझे याद है कि एक फिल्म आर्टिस्ट आया था, उनका दो चार फिल्म आई थी लेकिन उसका कोई गाना ऐसे क्लिक नहीं हुआ कि जिसकी जिस गाने की बदौलत उसको पहचाना जाए। अभी क्राउड आप देखिए 10 to 15,000 क्राउड है, अभी उसको वो स्टेज पे आए लेकिन उनका कोई पिक्चर में ऐसा कोई गाना नहीं था कि जिसे वो उसके जैसे बोलते हैं ना कि सिग्नेचर सॉन्ग नहीं था। अभी वो आए हाय हेलो किया, फिर कुछ डायलॉग बोले जो किसी ने शायद पता भी नहीं था, गाने भी वो तो गा नहीं सकते थे, तो फिर पब्लिक ने बहुत उसका वीडियो बुलाया और फिर वो गुस्सा हो गए और स्टेज से निकल गए। बाकी जैसे कि अरुणा ईरानी जी थी, जया प्रदा थी, वे लोग ने अपना तो फेमस थे उस टाइम, वे लोग अपना परफॉर्मेंस दिया बजाया। हाँ तो ऐसा भी होता है, अभी एक फेमस सिंगर आए थे प्लेबैक सिंगर, अभी उसको लिरिक्स भूल गए थे तो फिर उनको लिरिक्स लिख के दिए, फिर बाद में उन्होंने, तो ऐसा होता रहता है। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। जिसके बारे में कि सोशल सर स्टेज परफॉर्म के बारे में ही बता दीजिए आप, जो आपका सबसे बेस्ट गया हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा तालियां मिली हो, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बता दीजिए। नहीं वैसे तो बहुत सभी शो में होता ही है, फेल तो कहीं गए नहीं। नहीं नहीं कोई एक ऐसा तो परफॉर्म होता है जो हमेशा याद रहता है। हाँ वो मैं खुद याद कर रहा हूँ तो याद रहता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। अभी तो मैं याद कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ था, वो अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, प्लीज सॉरी। कोई बात नहीं सर, बाकी सभी शो तो नहीं सभी। एक बार है कि जैसे मैं मॉरिशस में था तो वहां पे मेरा प्रोग्राम था टीवी पे 1985 में, शायद 85 या 86 में, जब इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे मेरा लाइव प्रोग्राम था टीवी पे, और वो देख के मेरे पास दूसरे दिन मेरे होटल पे तो भाई आए, थोड़े मेरे से एजेंट आके मिले और मुझे बताया कि मैंने आर डी बर्मन साहब के ग्रुप में बजाया तबला, और वाह बहुत अच्छी बात है मैंने बोला। फिर मुझे ले गए अपने घर पे,
उनका अच्छा स्टूडियो वीडियो वगैरह था और हमने उनके साथ थोड़ा बजाया गाया तो बहुत खुश हो गए। ये भी एक था मेरे लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और फिर वहां जो एक रॉक स्टार था वहां पे रोडियो करके, वो भी मुझे मिले आके और उनको बहुत मजा आया। फिर मैं उसको स्टूडियो में ले गए, मेरे गाने कुछ रिकॉर्ड किए वो सब। तो ये मेरा यादगार दिन था कि इंदिरा गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी पे मेरा प्रोग्राम टीवी पे आया। फिर हमारी कैसेट बनाई गई। ताली हो जाए एक बार सर के लिए। और बताइए सर, आप ने काफी एक्सपीरियंस लिया है इस लाइन में, तो आप काफी लोगों से मिले हैं और ये हम किसी एक को खैर बेस्ट तो नहीं कह सकते, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में जिससे मिलके सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलती हो। मेरी लाइफ में एक पर्सन जिससे खुशी मिलती है, घर वाले मैं उसे याद करता हूँ, मैं उसका फोटो मैं हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आप आपकी तरह सब सब मेंस बने, वेरी नाइस सर। मतलब ऐसा क्यों लगा पुर्मिला जी की इनके तरफ सारे लोग मिलते हैं तो खुश है। देखो खुश रहते हैं तो लाइफ चलती है, हम फिट रहते हैं। नहीं तो अभी ये उम्र में भी मैं काम कर रहा हूँ, लाइव शो कर रहा हूँ। सोचिए म्यूजिक का वो सबसे बड़ा टॉनिक है ये। जी सर। सर इसी बात पे मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आई है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ज्ञान ज्ञान धन और विश्वास तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ज्ञान धन और विश्वास तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार तीनों बिछड़ गए। जब बिछड़ने लगे तो धन ने कहा मैं अमीरों के घर में मिलूंगा, तो ज्ञान ने कहा कि मैं विद्यालयों में मिलूंगा। पर ये सब सुन के विश्वास चुप रहा, तो वे दोनों पूछने लगे कि भाई तुम भी बताओ, कभी हमें मिलना होगा तो आप तुम कहाँ मिलोगे? धन तो अमीरों के घर मिलेगा और विद्या हमें विद्यालय में मिलेगी, पर आप अपना पता बताओ कि आप हमें कहाँ मिलोगे? तो विश्वास कहने लगा कि मैं अगर एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग लाइफ में ये बहुत जरूरी है। धन तो देखो आपके पास विद्या है ज्ञान है तो कहीं से भी आप पा सकते हैं धन तो, लेकिन विश्वास नहीं पा सकते हैं दोबारा। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद, बातों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। थैंक यू। नमस्कार। आपका सपना होगा पूरा, आपकी तलाश होगी पूरी। यदि आप झारखंड के खूबसूरत जिले धनबाद में चाहते हैं कि आपका भी आशियां हो, आप स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल फ्लैट मकान आदि के लिए यदि सस्ती जमीन की तलाश में है तो हमारे दिए गए नीचे नंबरों पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर चाहते हैं तो सस्ती जमीन आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप सीधा संपर्क करें हमारे दिए गए नीचे नंबरों पर। धन्यवाद। नमस्कार। वेलकम बैक माय गेस्ट एंड माय ऑल व्यूअर्स। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐश्वर्या जी आपकी कमेंट को पढ़ेंगी। ऐश्वर्या जी आप अपना सवाल लिखिए।
सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है और नेगेटिव स्ट्रेंथ क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वो हैं, तो आपको मतलब मैं वही जानना चाहती हूँ, पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है आपके लिए उसमें भी। पहले तो हमें खुद को पॉजिटिव बनना बनना पड़ता है। आपको कोई ऐसा इंसान भी मिल जाए जो नेगेटिव है तो छोड़ देने का, अपने अपने ढंग से ही चलने का। बाकी नेगेटिविटी तो अच्छा काम करोगे तो नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं लाइफ में, लेकिन निग्लेक्ट करो अपना ध्येय जो है, अपना एम, बस उसको पकड़े रखिए। और वो विश्वास के साथ आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो वो भी दिमाग में सोचता होगा कि ये मेरा हाथ छोड़ने देंगे, और उसी विश्वास के साथ वो चलता है आपके साथ। तो ये विश्वास है। बाकी नेगेटिविटी तो हर एक में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ लोग ज्यादा नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को निकलेट करो और आगे बढ़ो। देखो फिर मैं आज जहाँ पे हूँ मेरे इसके मुताबिक आप सोचिएगा कि मैं कैसे आया हूँगा इधर, कितने कितने लोगों का मैंने ये किया होगा। ये जैसे नेगेटिव लोग बहुत होते हैं, लेकिन निकलेट करो, बातों से भी होते हैं और किसी के हाव भाव से पता चल जाता है, या फिर अपनी बैग के पीछे करते हैं ऐसी बातें हैं या काम करते हैं, वो बहुत होता है। जी ऐश्वर्या जी, जी सर मैं यही जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग मतलब जैसे ये रहता है कि हमारा कोई आइडियल है कि ये मतलब हमारा फेवरेट एक्टर है, ये हमारा फेवरेट एक्ट्रेस है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है, मतलब कुछ बताएं इस बारे में। या जरूर जरूर, देखो मैं जिस जमाने से आता हूँ उस टाइम पे तो देवानंद का टाइम था। और देवानंद का मैं आज तक फैन हूँ। उसके बाद आए राजेश खन्ना सुपर स्टार, और फिर अमिताभ बच्चन आए, ऐसे दिलीप कुमार जी भी है, उनकी एक्टिंग का मैं दीवाना हूँ, वो तो सभी है, लेकिन मेरे को देवानंद पसंद था, उनकी स्टाइल पसंद थी, मस्त मौला जैसा उनका। राज कपूर जी भी अच्छे करते जी। एक्चुअली मेरे फादर को भी तो एक्चुअली मेरे फादर को भी देवानंद पसंद है, तो एकदम सिमिलर ही हो गया ये ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उस टाइम पे तो शायद मैंने देवानंद जी के बारे में ऐसा सुना था कि, अभी मेरे को तो इतना याद नहीं है, कि वो व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के सूट पहनते थे तो बैन हो जाता था, कुछ ऐसा भी था उस टाइम पे सर। अरे बैन करा दिया था उनको कि ब्लैक सूट नहीं पहना करो प्लीज। जी यस, ये बात रियल में ही सच है सर, ऐसा कहा जाता है, हमने सुना है ऐसा, बाकी तो गॉड नोज। बाकी उनका क्रेज तो था उस टाइम पे जबरदस्त, उनके स्टाइल्स काफी अच्छे थे सर, स्टाइल के दीवाने थे सर जी। और वो ऐसे भी चॉकलेट बॉय उसको बोलते थे, बाकी उस टाइम में देखो जो भी थे वो ऐसा फेस तो नहीं था चॉकलेटी बॉय का, किसी का भी नहीं था, इसीलिए लड़कियां उसमें ज्यादा मरती, वो बाल बनाना, इधर लट निकालना, वो सब उनका एक, आप मूवी देखो गाइड क्या बनाया था उन्होंने, क्या फिलोसॉफी था उसमें, सुपर सुपर। बाकी उसके ओल्ड मूवीज तो सब देखे हैं हमने। अब सर मेरा क्वेश्चन एक ये है कि आपको मतलब सबसे ज्यादा जो मतलब आप पसंद करते हैं वो मतलब कौन सी डिश है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और आप आई थिंक मुझे नहीं पता आप कुकिंग भी करते हैं या नहीं, वो कौन सी ऐसी डिश है जो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए डिश? जी
यानी डिश यानी खाने की डिश। जी जी खाने की डिश कुछ भी बोलो आप, हम तो सब कुछ कुछ बना भी। सकते हैं यार, हमको तो सब आता है। देखिए अभी वाह मैं ऐसे लाइफ में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है बराबर। अभी मेरे दो बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है जो US रहता है उसकी फैमिली के साथ, लड़की जो है वो भी शादी करके गई, वो मलेशिया में है, शी इज अ बिजनेस वुमन, मलेशिया में अच्छा काम कर रही है। और यहाँ मैं अकेला हूँ, मेरे वाइफ तो मैंने अभी आपको बताया कि 2006 में एक्सपायर हो गई, तभी से अकेला था, तो फिर सब खुद करना पड़ा, सब आ गया फिर मेरे को धीरे धीरे ओ धीरे सर, धीरे। आपकी वाइफ मिसप्लेस। एक्सपायर हो गई, वो यहाँ अहमदाबाद जो एशिया खंड की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसमें वो मैट्रन थी, यानी हेड ऑफ द नर्सेस। तो सर कोई ट्रेजेडी हुई थी उनके साथ या फिर नेचुरल डेथ क्या? नहीं, नेचुरल डेथ हुआ, यानी कि नेचुरल में कैसा है कि हार्ट उसका एकदम बंद हो गया नींद में, वो भी नींद में। उस टाइम मैडम की एज क्या होगी सर? 58, यानी कि बच्चे आपके थोड़े बड़े हो चुके थे, कॉलेज हाँ क्रॉस हो कर चुके थे। चुके थे, लड़के जी की शादी हो चुकी थी, डॉटर जी की बाकी थी, जी तो उसके 1 साल के बाद हमने डॉटर की भी शादी करा दी, फिर जी आप सब हम अपनी फैमिली में हैप्पी। फ्री। जी सर। सर अब मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। सर मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे जो है जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं जब बूढ़ा हूं, जब मैं बुजुर्ग हूं, तो मैं अपने बाल बच्चों के साथ रहूं। और हिंदू सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि लड़की तो विदा होकर के चली जाती है, पराई लड़की को पराया धन कहा जाता है, तो ससुराल चली जाती है, लेकिन जो लड़का है वो अपना धन होता है, और जो माता पिता जो बुजुर्ग हैं वो अपने लड़के के साथ रहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं आपको मन में लगा कि मैं मेरे को अब किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे को बुढ़ापे का सहारा बने, और वो लड़का ही है तो, और वो USA में जाके सेटल कर गए हैं, तो आपका मन नहीं करता कि मैं वहां जाऊं, मैं भी अपने बेटे अपने पोती के साथ रहूं, ऐसा कुछ? मैं तो आता जाता रहता हूँ, एक एक दो दो महीना रहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो सोशल लाइफ यहाँ पे है, मेरा सर्कल है, पूरा ग्रुप है, वो वहां नहीं मिलता है, सोशल लाइफ भी नहीं होती है। हाँ घूमने फिरने के लिए ऐसे बहुत घूमा हूँ मैं, बहुत घूमा हूँ, वो मेरा शौक है घूमने का, और कोई शौक है नहीं मेरे को। कपड़े का शौक है, घूमने का शौक है, खाने का शौक है, और ये म्यूजिक चलिए, म्यूजिक का शौक है, कपड़े का शौक है, खाने का अकेले शौक है। सर हो अभी ऐश्वर्या जी ने कहा कि आप किस मतलब कौन कौन सा डिश बना लेते हैं, तो आपने कहा कि मैं हर तरह का डिश बना लेता हूँ। कभी जाएगा, आपने करेले वेजिटेरियन से का आपने कभी डिश बनाया? लेके नॉन कभी कभी आपने वेज। करेले का डिश बनाया है? अभी हाँ करेले का, हाँ बनाया है, हमें पसंद है, आई लाइक दैट मोस्ट, करेला। देखो सर, मेरे साथ में सर भी कनेक्ट हो गए हैं। करेला मैं भी बनाती हूँ सर एक्चुअली, और मेरे को बहुत करेला पसंद भी है। करेला और भिंडी, ये दोनों हमारी पसंदीदा सब्जी है, बाकी नॉनवेज तो मैं बना सकता हूँ कुछ भी। अच्छा नॉनवेज भी बना सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सर आपको क्या लगता है कि आज जो हमारा जो देश है, जो जहां पे पहुंचा हुआ है, कभी
लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, कोई कहते हैं मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, आपको अगर सपोर्ट करने का मौका मिले तो आप किधर सपोर्ट करेंगे? ये तो जाता है विचारधारा के ऊपर कि कौन सी पार्टी कौन सी विचारधारा पे चलती है। अपना पूरा समाजवाद जो बोलते हैं, समाजवाद यानी कि सब एक जैसे होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अमीर लोग कुछ ही है, बहुत मामूली है, बाकी पूरा देश देखो तो पॉवर्टी, अंडर पॉवर्टी है और ज्यादा मिडिल क्लास भी है। तो सबको साथ लेके जो चलता है, जो चलेगा, ऐसा हमको चाहिए। बाकी आप देखिए कि आजकल महंगाई भी बढ़ती जाती है और अमीर ज्यादा अमीर होते जाते हैं, गरीब और भी गरीब होते हैं। गरीब लोगों का क्या है कि जो चीज मिलती है उससे चला लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास नहीं चलाएंगे और वही चीज सबसे महंगी होती है, राइट, जो अमीरों को नहीं पता। जी, अगर सर आपको एक दिन के लिए गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप गुजरात में क्या क्रांति लाएंगे? क्रांति लाने जैसा तो क्या है, यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, सबसे पहले तो उस पे ध्यान देना पड़ेगा। और अभी क्या है कि धार्मिक उसमें जो बटे हुए हैं लोग, वो अभी थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सभी को साथ में लेके चलना जैसा है, और सबसे पहला काम तो यही करना है कि लोगों के दिलों में अपने देशभक्ति जगानी पड़ेगी कि भाई ये हमारा देश है, ये गुजरात है, और गुजरात में कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहिए, सबको साथ लेके चलो, ऐसा कुछ करना पड़े, सबको रोजगारी भी मिलनी चाहिए, सब अच्छा काम करे। जी, आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं सर, आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं दिनेश कुमार पटेल, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश कुमार जो है वो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है, बहुत साल से हमने उनके साथ भी बहुत शो किया है, वो अच्छा काम करते हैं, वो पॉलिटिशियन भी है, कांग्रेस में है, और उनकी सोच भी अच्छी है, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो। अभी क्या है कि पॉलिटिक्स में ज्यादा पहचान होनी चाहिए, बड़ा मुद्दा होना चाहिए, तभी कुछ काम कर सकोगे, बाकी ग्राउंड लेवल पे जो होते हैं उनकी कोई सुनता भी नहीं है। बाकी दिनेश भाई बहुत अच्छे पर्सन है और छोटी छोटी जो समाज सेवा है वो करते रहते हैं, लेकिन अपने पास अगर कुछ होता है, कोई मुद्दा होता है या कुछ बड़ी पोस्ट होती है, तो वो पोस्ट का हमें सही उपयोग करना चाहिए। सर, अगर आपको सर मौका मिले कि चलिए आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, तो आपको क्या इस तरफ रुझान है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर बनूं? नहीं, ऐसा कुछ अपने आज तक सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं।, नहीं सर, एक लीडर होकर के क्या समाज की समाज का सेवा किया जा सकता है या ऐसे ही लीडर बने? ऐसे देखने जाओ तो लीडरशिप, लीडर बन के तो लोग देखो सेवा नहीं करते, ये तो सभी जानते हैं, एक बार लीडर बन गए और वो बात खत्म हो गई। बाकी समाज सेवा करनी है तो हम बिना कोई मुद्दा लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल देखिए लोगों ने बहुत इंतजार किया गवर्नमेंट के पास, ये नेचुरल कैलामिटी होती है, कोरोना अभी 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 गया है, तो कोरोना काल में लोगों ने बहुत ये किया कि भाई हमने इसको वोट दिया था, अभी ये लोग दिखते भी नहीं है, आते नहीं है, हमको इसकी जरूरत है, वो मिलती नहीं है। और अपने यहाँ देखिए 130 करोड़ की आबादी है, अभी लोग कहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो फिर हम लोग जो होते हैं, जैसे कि हम आर्टिस्ट है, हमारे यहाँ भी बहुत छोटे छोटे आर्टिस्ट है, छोटे तो नहीं कहा जाता लेकिन जो तकलीफ में रहते हैं बजाने वाले,
जो बजाते हैं और उसपे ही उसका घर चलता है, दूसरा कोई कामकाज नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत तकलीफ में आ गए। तो उस टाइम पे हम है, हमारे कई दोस्त है, हमने सबने मिलके अपने खुद के पैसों से उनको जो जरूरत की जो चीजें हैं वो पूरा एक किट बना के बहुत आर्टिस्टों को हमने बांटे। जिसको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, पैसे कम पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को हम खुद, मैं तो खुद अपने हाथ से मैं खुद कर देता हूँ कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा फैमिली चलना चाहिए बाहर, तुम्हारे घर में रोटी चाहिए। सर आपकी तरह सोच अगर हर भारतीयों के दिल में हो जाए, आपकी तरह सोच अगर हर भारतीयों के दिल में हो जाए, तो आपके बगल वाला जो पड़ोसी है उसके घर में भी चूल्हा जलेगा और रोटियां पकेगी और कोई भूखा नहीं सोएगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप जो है ऐसे जरूरतमंदों की मदद करते हैं बिना किसी पार्टी को ज्वाइन किए हुए, जो मिला स्वेच्छा से आपने उसको मदद किए, बहुत खुशी की बात है। हाँ जी प्रमिला मैम, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सर, मैं आपको एक, वैसे मैं सिंगर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी सर के सामने। तो सिंगिंग करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, कुछ खो कर पाना है, कुछ पा कर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल की जवानी से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, एक प्यार का नगमा है। बहुत बढ़िया, बहुत इमोशनल हो गई आप तो गाते गाते। अब मैम से मेरा एक सवाल है कि मैम आपका ये जो सॉन्ग है ये आपको मतलब क्या याद दिला रहा था, मतलब मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगी। एक्चुअली मैं जिस टाइप का सॉन्ग सिंगिंग करती हूँ, मुझे थोड़ा सिंगिंग का शौक है,
तो जब तक सिंगिंग बाहर नहीं आती, जब तक हम जो बोलने जा रहे हैं या जो सिंगिंग कर रहे हैं उसमें डीपली ना घुसे, तब तक वो मतलब गाने में वो मजा नहीं आता मुझे, जब तक हम उसमें डीपली ना जाए कि हमारी जिंदगी है क्या। वो मैं रियल अमेजिंग करके गा रही थी, हमारे सबकी जिंदगी जैसी चल रही है, देख रहे थे। सर आप भी, सर एक बार थॉमस सर आप भी गुनगुना दीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं भी अभी यही बोलने वाली थी कि सर से मैं कुछ जरूर सुनूं। इसी गाने को गुनगुना दीजिए जो अभी पूर्मिला मैम ने सुनाई है, इसी गाने सर, को गुनगुनाए सर साथ में करते हैं। मुझे देखिए वर्डिंग तो याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं गुनगुनाऊंगा। और ऐश्वर्या जी आपको भी गुनगुनाना है सर के बाद। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का है मोजो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। अच्छा गाते हो आप, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप गुनगुनाइए इस गाने। जी ये तो सर मैं एक्चुअली मुझे, चलो मैं दूसरा सुना देती हूँ। ठीक है ठीक है। वैसे तो सर मैं सिंगर नहीं हूँ, सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके ना हम, मुबारक के तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। बस सर कुछ कमेंट में है ऐश्वर्या जी, कमेंट को भी थोड़ा पढ़ा जाए। चिनार साहब फैंटेस्टिक, थैंक यू सो मच, फैंटेस्टिक बोल रहे हैं। शिराज पंडित सर जी बोल रहे हैं, प्रमोला जी जबरदस्त गाती हैं, आवाज भी अच्छी है, बॉलीवुड में ट्राई करनी चाहिए मैम आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हीरो राज 143, राम राम जी, राम राम जी। ओम प्रकाश गुप्ता जी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, वाओ नाइस। वेरी गुड, कमेंट भी पढ़ा जा चुका है और समय भी हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगा कि आज थॉमस साहब आए, फ्रांसिस थॉमस जी, और इनके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के पास शेयर की, हमारे जितने दर्शक हैं। अगर आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और दूसरी बात है कि अगर सर मैं आपको हमारे दर्द सर मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, शिराज पंडित जी सर ने बोला है वेरी नाइस, ऐश्वर्या जी, गुप्ता जी आप भी कुछ गुण गाइए प्लीज, तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे हम। सही तो शिराज सर का हुक्म जो है सर आपको पे है। चलिए मैं भी एक गायक तो नहीं हूँ, लेकिन उर्मिला जी के आवाज सुन करके मुझे अच्छा लगा और मैं कोशिश करता हूँ, और चूंकि एक म्यूजिशियन है और उर्मिला जी सिंगिंग अच्छा करती हैं, और सिंगिंग क्या, ये एक फैशन डिजाइनर है बेसिकली, इनको लोग पूरा देश जानता है एक फैशन डिजाइनर के रूप में उर्मिला जी को, और एस जी तो एस है, एस जी ऐश्वर्या राय एस में ही है और अच्छी एक्ट्रेस है, ऐश्वर्या राय तो वैसे ही फेमस है सर। तो ऐश्वर्या त्यागी जी है एस में है, नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी, चलिए, और मैं तो नाचीज हूँ जिसका कोई मोल नहीं है,
और मैं सुनाना चाहूंगा एक, चलिए मैं भी एक प्यार का नगमा है ही सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ये संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गाना है और बहुत ही प्यारा गाना है। जो भी इस गाने को गुनगुनाते हैं तो लगता है कि ये गाना उन्हीं के लिए बना है। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे चैनल पे। थैंक यू शिव प्रकाश जी, आपका धन्यवाद। ऐश्वर्या जी आपका भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप तो फ्रांसिस थॉमस जी, आप हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? जी दर्शकों को क्या कहें हम, क्योंकि इतने बड़े तो हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी सब लोगों ने हमको सुना और पसंद किया, हम बहुत सबके आभारी है और धन्यवाद करते हैं सबका। बाकी म्यूजिक ऐसी चीज है कि आप सुनो, आप संगीत में ही बनो, अपने बच्चों को भी संगीत में आगे बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वन काइंड ऑफ टॉनिक इट इज, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपका दिल भी जवान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, संगीत गुनगुनाने से अगर उसको इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी आप बोलो कि आप ये बनो ये बनो, मेरे फादर भी डॉक्टर थे लेकिन कभी नहीं बोला कि तुम डॉक्टर बनो, आपको जी, जो जी, पसंद सर। है वो करो, हम करते हैं और देखो आज सर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हम भी आपकी आपकी शरण में आते हैं सिंगिंग सीखने के लिए, बेशक आइए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आपसे कोई सिंगिंग सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है? आपका कोई ऑफिशियली नंबर है? हाँ कॉन्टेक्ट नंबर, आपसे लोग कैसे जुड़ पाएंगे? नंबर है मेरे पास मेरा खुद का, जो वर्षों से एक ही नंबर रखता हूँ मैं, ताकि कोई मिस ना हो जाए। बाकी ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ कर पाएंगे, जो सामने बैठ के हम पढ़ा सकते हैं उसको सिखा सकते हैं, बार बार गलती निकालो सुधारो ये सब करके जो ये करते हैं, उससे जैसा कोई नहीं। अभी ऑनलाइन सब अभी स्कूलें चली 2 साल, लेकिन वो पढ़ाई तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सामने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए आपको क्या तकलीफ है वो बोलो, हम सुधारेंगे फटाफट, वही काम होता है। ऑनलाइन में सब चला जाता है। अगर ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है सर पॉसिबल, तो फिर क्लास लगती ही क्यों? वो तो थोड़ा कोविड की वजह से मजबूरी में ये सब चला था सर, मैं आपसे सहमत हूँ सर। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर देना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। मेरा नंबर है 9909712055। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर जी।
जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप में भी टैलेंट है, आप भी कुछ करने की चाह रखते हैं और या कुछ कर चुके हैं, तो हमारे चैनल पे आप आ सकते हैं, अपने बारे में अपनी प्रतिभा को बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8210325178, 8210325178। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको जो है हम समय देंगे और आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। तो आज का शो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अगले शनिवार को, अगले रविवार को एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सभी को एक साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। सभी सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया।